एवरीवन, मैं हूँ डीसल और एक बार फिर से आपका स्वागत है डीसल गेमिंग के नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे स्टेडियम्स जो मीरामार मैप में होते हैं, बहुत ही बढ़िया लूट लोकेशन है, या उसके टॉप पे इसके रूप पे आप कैसे चढ़ सकते हो। तो बहुत ही ईजी ट्रिक है और सबसे पहले जो आपको करना है वो है कि जो रेड बिल्डिंग्स है, ये पर्टिकुलर जो स्टेडियम है वो पैकाडो वाला है। तो जैसे मैंने क्लाइम किया रेलिंग से, बाहर निकल के रेलिंग के ऊपर क्लाइम किया, फिर हम जो ये वॉल से होके यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा नीचे आता है स्टेडियम में तो इजीली दिख जाएगा, इजीली किल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप और भी ऊपर चल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ये जो यहाँ पे रूफ जैसा है थोड़ा ऊपर वाला, उसके पास जाके आप जंप बटन दबाएं। जहाँ से मैंने जंप बटन दबाया आप भी वहाँ से दबाएं। तो अगर आपके पास जल्दी से गन आ जाती है स्टेडियम में, आप जंप करते हो, स्टेडियम में बहुत ही बंदे आते हैं, हर बार ज़्यादा बंदे आते हैं और हर बार बहुत ही बढ़िया लूट मिलती है। तो अगर आपके पास जल्दी से अच्छी सी गन मिल जाती है, AR मिल जाती है या फिर कोई SMG मिल जाती है, तो यहाँ ऊपर आ जाए और बंदे जब लूट करोगे आप इजीली किल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा आपको व्यू मिल जाता है पीछे का भी। तो अगर एक बार अंदर के बंदे मार दिए फिर आप स्कोप्स लूट कर सकते हो स्टेडियम में, पक्का है कि स्कोप्स मिल जाएंगे। तो आप पूरे पैकाडो में स्कोप से फिर बंदों को मार सकते हो। तो इसके ज़्यादा ऊपर भी आप चढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं जहाँ जहाँ से जंप बटन दबा रहा हूँ हम पूरा ऊपर तक चढ़ सकते हो और ये व्यू देखिए पूरा पैकाडो दिख रहा है। तो ये पर्टिकुलर स्टेडियम है वो पैकाडो वाला है, और भी स्टेडियम है पूरे मीरामार मैप में, एक एल पोजो में है और भी स्टेडियम्स है। तो आप सारे स्टेडियम्स को क्लाइम कर सकते हो, बहुत ही ईजी ट्रिक है। तो अब क्या है, बंदे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए जो डोर मैंने बताया अभी आपको, वही डोर से आप क्लाइम कर सकते हो जैसा मैंने पहले आपको बताया था। तो यहाँ पे फुटस्टेप्स आ रहे, तो ये मैं बंदों को मारूंगा बट ऊपर चढ़ के मारूंगा, जो हमारा रूफ है जो मैंने अभी क्लाइम किया था वहीं पे क्लाइम करके मैं मारूंगा सबको, और आपको पता चलेगा कि यहाँ से किल्स कितनी इजी हो जाती है। तो हमने पहले उस साइड जाके रूफ से क्लाइम किया था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ईजी था, यहाँ से थोड़ा टफ है, क्लाइम कर सकते हो पर आपको कंटिन्यूस जंप बटन दबाने पड़ेंगे पूरा फॉरवर्ड करके। तो ऐसे ही यहाँ से भी आप रूफ पे क्लाइम कर सकते हो, पूरा ऊपर तक क्लाइम अप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है, नीचे का भी पूरे स्टेडियम का व्यू मिलता है। अगर पूरे स्टेडियम में कहीं पे बंदा हो तो आप उनको इजीली मार पाओगे, और कोई बंदा यहाँ पे स्टेयर केस से ऊपर चढ़ता है तो यहाँ से भी आप मार सकते हो। देखिए जो रेड बिल्डिंग्स है वहाँ पर भी बंदे ईजिली दिख जाते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा सा स्कोप हो, 2x भी हो जाए फिर भी आप बंदों को मार पाएंगे। और यहाँ से तो पूरा स्टेडियम का व्यू आता है जैसे मैंने पहले भी बताया, तो आप पूरे स्टेडियम में अगर बंदे आते हैं तो उनको भी आप मार सकते हो। तो गाइस ये बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है अगर आपको कैंपिंग करनी है, अगर आपको स्नाइपिंग करनी है। देखिए यहाँ पे भी एक बंदा आ रहा था ऊपर माउंटेन से, हमने उसे स्पॉट कर लिया, हमने उसे एम करके फायर भी किया बट बंदा बच गया। तो अभी हम वेट करते हैं उसको बाहर निकलने का, जैसे ही बाहर निकलेगा जैसे ही अपनी मुंडी बाहर करेगा हेडशॉट्स मारेंगे एंड वी विल किल हिम। तब तक वेट करते हैं कि कोई अगर बंदा आ जाए हमारे स्टेडियम में तो हम उसे भी किल कर पाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखा था, फुटस्टेप सुनाई दिए, और देखिएगा उस बंदे को पता भी नहीं चला होगा कि उसे मारा कहाँ से, जब तक कैमरा आउट ऑफ फोकस नहीं हुआ होगा उस बंदे को पता भी नहीं चला होगा कि उसको मारा कहाँ से। तो ऐसे ही आप भी यहाँ पे बढ़िया से कैंपिंग कर सकते हो। अभी तक ये जो पर्टिकुलर चीज़ है या रूफ क्लाइम सबको पता नहीं है, तो एक बार ये पता चल जाएगा फिर यहाँ पे आने में बहुत ही खतरा है क्योंकि इजीली लोग मार पाएंगे आपको ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर मारना बहुत ही मुश्किल रहता है क्योंकि आपके पास बहुत ही बढ़िया कवर है। तो अगर आपको कोई शूट भी कर रहा हो तो भी आप नीचे जंप कर लो तो भी आप बच जाओगे। तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है कैंपिंग के लिए, स्नाइपिंग के लिए, और अगर बंदा आता है गलती से भी स्टेडियम में तो वो किल आपका पक्का ही है। तो वहाँ पर जो बंदा था वो तो अभी हमें दिख नहीं रहा, तो नीचे जाके देखते हैं अगर उसने स्टेडियम को एंटर किया हो या फिर हमने किल कर लिया हो शायद से। ठीक है, तो मुझे फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे, तो और एक किल करने के लिए मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। देखिएगा इस, तो यहाँ पे जो स्टेयर्स है वहाँ से बंदा आएगा, और स्टेयर्स के लिए हमें बढ़िया सी एक लोकेशन मिल जाती है। तो कोई भी अगर स्टेयर को क्लाइम करने की गलती करता है तो हम उसे मार देंगे। तो हम पे अभी शूट हो रहा है, हमें कोई शूट कर रहा है पीछे से, कोई स्नाइपिंग कर रहा है मिनी 14 से। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, आपको कोई शूट कर रहा हो तो भी आप नीचे जंप कर लो और आप बच जाओगे। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया कि हमारी हेल्थ क्योंकि बहुत ही कम थी तो मैंने नीचे जंप करके बच गए। तो यही था गाइस आज का वीडियो,
ऐसे ही आप स्टेडियम्स के ऊपर चढ़ सकते हो। ये वाला स्टेडियम पर्टिकुलर पेकाडो का था, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, पूरा स्टेडियम में बढ़िया लूट मिल जाती है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना और वीडियो को लाइक तो दे ही देना। एंड गाइस ज़्यादा ही पसंद आ गए हो वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर गाइस आपके पास फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ है, वीडियोस के लिए अगर आपके पास आइडियाज़ है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। एंड गाइस यू कैन ऑल्सो जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू अगेन।